नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सरकार पर उनके समुदाय के खिलाफ सहानुभूति में कमी होने का आरोप लगाया है और उन किसानों के लिए एक दिन के शोक की घोषणा की है जिनकी आंदोलन के दौरान मृत्यु होने का दावा किया जा रहा है। 35 किसान संगठनों ने कहा है कि 26 नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 20 किसानों के लिए रविवार को देश भर के गांवों में शोक मनाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा, 26 नवंबर से शुरू हुए इस आंदोलन के बाद से हर दिन औसतन एक किसान की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि हम देश के सभी गांवों में 20 दिसंबर को इस दौरान शहीद हुए सभी किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। जब उनके नाम और तस्वीरें गांव में पहुंचेंगी तो हमारे संघर्ष में जुड़ने के लिए और लोग सामने आएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र पर उनके बनाए दबाव का ही नतीजा है कि सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सत्र रद्द कर सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। इसके साथ ही भारतीय किसान संघ टिकैत के महासचिव युधवीर सिंह सहरावत ने कहा, हमने प्रधानमंत्री को चुनकर उन्हें बोलने की शक्ति दी और पिछले 20 दिनों में अब तक उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं कहा। तेज होते किसान आंदोलन के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े किसान संघ ने भी मध्य प्रदेश में एमएसपी को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वो नए कानूनों से खुश नहीं हैं और वे इसमें संशोधन की बात कर रहे हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग के किसान सड़क पर उतरे और कपास मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी नहीं मिलने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने किया था। किसानों के मौजूदा प्रदर्शनों के बीच संघ से जुड़े किसानों ने पहली बार एमएसपी की मांग के साथ कोई सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इनमें दिल्ली की सीमाओं पर भीड़ इकट्ठा करने, कोरोना वायरस के संकट को लेकर याचिका लगाई गई है। इसके अलावा किसान आंदोलन में मानवाधिकारों, पुलिस एक्शन और किसानों की मांग मानने की अपील की गई है। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक 19 से 20 दिसंबर को शाह बंगाल में रहेंगे। यहीं पर अधिकारी को भाजपा में शामिल कराया जा सकता है। बता दें कि टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने पिछले महीने ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। तभी से माना जा रहा था कि वे बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के आज नतीजे आएंगे। इसके लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 244 केंद्रों पर वोटों की गिनती चल रही है। दोपहर बाद नतीजे साफ हो सकते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक ईवीएम मतों की गिनती शुरू होने के बाद रुझान मिलेंगे। अभी बैलेट वोट काउंट किए जा रहे हैं। बता दें बीजेपी केरल में पैर जमाना चाहती है। ये चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंकर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव पर विधायिका और न्यायपालिका अब आमने सामने आ गई है। एक दिन पहले ही राज्य के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि अर्णब मामले में सदन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नोटिस का ना तो संज्ञान लेगा और ना ही इसका जवाब देगा। दोनों प्रस्ताव में कहा गया है कि कोर्ट के किसी नोटिस का जवाब देने का मतलब होगा कि न्यायपालिका आगे विधायिका की निगरानी कर सकती है और ये संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ होगा। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव दो दिन के शीत सत्र के आखिरी दिन को पास हुआ। इस प्रस्ताव के आने के साथ ही विशेषाधिकार उल्लंघन मामले में अर्णब की मुश्किलें बढ़ने का अनुमान है। पाकिस्तान में बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए एक नया कानून लाया गया है जिसके तहत बलात्कार के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति का केमिकल कैस्ट्रेशन यानी उसे केमिकल के इस्तेमाल से नपुंसक बनाया जा सकता है और फांसी की सजा भी दी जा सकती है। मंगलवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस नए रेप विरोधी कानून पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका द्वारा तुर्की पर रूस में बने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। तुर्की ने पिछले साल ही रूस से ये मिसाइल डिफेंस प्रणाली हासिल की थी। वहीं पाबंदी के बाद तुर्की ने अमेरिका से उसके पक्षपातपूर्ण फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में ये भी कहा गया है कि अमेरिकी पाबंदी से हमारे संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा और वक्त आने पर तुर्की इसका बदला लेगा। बता दें अमेरिका का कहना है कि रूस का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम S-400 नेटो के तकनीकी मापदंडों पर खरा नहीं उतरता और ये यूरो अटलांटिक गठबंधन के लिए खतरा है जो कि तुर्की खरीद रहा है।
भारत में पिछले एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 26,382 नए मामले सामने आए हैं और 387 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 99,32,548 हो गई है और इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या भी 1,44,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,32,000 के पार हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।